गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ मैनिक्योर के बारे में। जी हाँ, मैनिक्योर के बारे में। आप जैसे विंटर सीजन चल रहा है, विंटर सीजन आते ही हमारे हाथों और पैरों को बहुत ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है। ये इस सीजन में हमारे हाथ और पैर ही सबसे ज्यादा डैमेज होते हैं। इनको ही ठंडा पानी, गर्म पानी और साबुन सर्फ इन सब चीजों से झेलना पड़ता है। इसलिए हमें अपने इस सीजन में अपने हाथ और पैरों पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर हम इन्हें ध्यान नहीं देंगे तो इस पर काली मैल की परत जम जाएगी, हाथ बिल्कुल काले हो जाएंगे। और जैसे कि आप मेरे हाथों को देख सकते हैं, मेरे हाथ कैसे आपको बूढ़े बूढ़े से लग रहे होंगे। इसी इन सब चीजों की प्रॉब्लम आती है अगर आप अपने हाथों पे ध्यान नहीं देंगे तो। आज मैं आपको इस वाली वीडियो में आपको मैं मैनिक्योर बताने जा रही हूँ कि आप घर पर ही किस तरीके से मैनिक्योर करेंगे कि आपके हाथों की ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। आप इसको वीक में एक बार कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। और अगर आपके पास टाइम नहीं है, वीक में आप नहीं कर पाएंगे तो आप 15 डेज पे या 1 मंथ में भी कर सकते हैं। बट अपने हाथों को मॉइस्चराइज करना बहुत जरूरी है। बट ये भी होता है कि हम मॉइस्चराइज चुनते समय गलतियां कर देते हैं और वो मॉइस्चराइज इतना ज्यादा हैवी होता है कि वो हमारे स्किन पे लगने के बाद धूल मट्टी को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए हमें धूल मट्टी को निकालना बहुत जरूरी है। उसके लिए हमें मैनिक्योर करना पड़ता है। आप चाहे घर पे करिए, चाहे पार्लर में करवाइए, मगर विंटर सीजन में आपको मैनिक्योर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये आपके हाथों के, ये नेल्स के अगल बगल की जितनी भी गंदगी है इन सबको भी निकालता है और साथ ही आपके हाथों को एक जान प्रोवाइड करेगा। ये आपके हाथों की स्किन को एकदम सांस ले, जिस तरीके से हम अपने फेस के लिए, हेयर के लिए कुछ भी चीजें अप्लाई करते हैं, उसी तरीके से हमें अपने हाथों और पैरों पर भी ध्यान देना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं मैनिक्योर हम घर पे किस तरीके से कर सकते हैं और किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी हमें अपने हाथ को मॉइस्चराइज करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो आपको पसंद आ जाए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साइड में रेड कलर का बटन दिया होगा, और अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप जैसे कि मेरे हाथों की गंदगी को देख पा रहे होंगे कि कितनी ज्यादा गंदी हो रही है, स्मेल जमी हुई। तो हम सबसे पहले अपने हाथों को क्लीन करेंगे। सबसे पहले हमें क्लींजर बनाना है, जो कि हम अपने घर में ही क्लींजर बनाएंगे। आपने हाथों में कुछ भी पहना है तो आप उसको उतार लीजिए। क्लींजर के लिए हमें चाहिए कच्चा दूध और उसमें हम हनी ऐड करेंगे। कच्चे दूध में जैसे कि आप जानते हैं कि इसमें एंटी ब्लीचिंग होता है ये, जो कि हमारी स्किन को लाइट करने में हेल्प करता है। और इसमें हम हनी ऐड करेंगे तो हनी हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा। इसमें मैंने थोड़ा सा ही हनी ऐड किया है, यह हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा, साथ ही हमारी स्किन में एक पफिनेस लाने में हेल्प करता है, जो कि हमारी सॉफ्ट सॉफ्ट सी स्किन हो जाती है, जिसकी वजह से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यह हमारा बहुत ही अच्छा क्लींजर बन गया। आप चाहें तो इससे अपने फेस पर भी क्लीन कर सकते हैं, इसको अपने फेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें हम कॉटन पैड डिप कर देंगे और उसकी मदद से हम इसमें अपने हैंड्स को क्लीन करेंगे। दोनों हाथों पे हम इसको इसी तरीके से अप्लाई कर लेंगे। यह हमारी स्किन की ये मॉइस्चराइज भी करेगा, जो हमारे हाथों में सर्दियों के टाइम पे साबुन सर्फ और ठंडे पानी की वजह से हमारी स्किन खराब होती है, या पोछा लगाते हैं तो हमारी स्किन में गंदगी जम जाती है, या फिर हम कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाते हैं वो हमारी स्किन को धूल मट्टी को एब्जॉर्ब करता है स्किन हमारी, तो ये सब उन सब चीजों से गंदगी को निकालेगा हमारे स्किन से। और उसके बाद फिर हम इसके लिए मैनिक्योर करेंगे तो उसके फिर हमें आगे का प्रोसेस देखना पड़ेगा। इसको अच्छे से हम लोग क्लीन कर लिए हैं, अब उसके बाद हमें अभी धोएंगे नहीं, इसको ऐसे छोड़ देंगे। और उसके बाद हमें गुनगुना पानी चाहिए। आप देख सकते हैं मेरे हाथों में से कितनी ज्यादा गंदगी निकली है, पूरा पैड ब्लैक हो गया है दोनों साइड से। अच्छे से रब कर लेंगे इसको। आप चाहे तो इसको अपने फेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। आप फेस पर भी अप्लाई करेंगे तो आपके फेस की गंदगी को भी निकाल देता है।
अब हमारा इसका सेकेंड स्टेप है कि हमें गुनगुना पानी लेना है, जो कि हम किसी भी बॉल में ले सकते हैं जिसमें आपका हाथ इजिली डिप हो जाए। उसके बाद हम कोई भी शैम्पू लेंगे, आपके पास जो भी शैम्पू अवेलेबल हो आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्लिनिक प्लस शैम्पू लिया है, इसको हम थोड़ा सा पानी के अंदर डाल देंगे। और अगर आपके पास ब्लीचिंग पाउडर अवेलेबल हो तो आप ब्लीचिंग पाउडर डाल सकते हैं, अगर नहीं है अवेलेबल तो ये स्क्रिप भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। मेरे पास अवेलेबल था तो मैं डाल ले रही हूं। आपको ज्यादा ब्लीचिंग पाउडर नहीं डालना, बिल्कुल हल्का सा डालना अगर आपके पास है तो। ब्लीचिंग पाउडर में आप जैसे कि जानते हैं हमारी स्किन की धूल मट्टी डर्ट पॉल्यूशन को खींचने में मदद करेगा, साथ ही ये हमारे गुनगुना पानी हमारे पूरे हाथों की स्किन के अंदर की जो रोम छिद्र है उनको खोल करके ये और ब्लीचिंग पाउडर उसके अंदर से स्किन को खींच के निकालेगा। और इसमें हम डाल देंगे नींबू का रस, वो भी दो चार बूंदी डालना है, ज्यादा नींबू का रस नहीं डालेंगे। मैंने आधे से भी थोड़ा सा काट के नींबू का निकाला है और नींबू का रस डाल देंगे इसमें। नींबू में आप जैसे कि जानते हैं एंटी ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती है, विटामिन सी होता है जो कि हमारी स्किन को लाइट एंड ब्राइट करने में काफी हेल्प करता है। अब शैम्पू को हम घोल लेंगे और अच्छे से इसमें झाग बना लेंगे और 10 मिनट के लिए हमें अब हाथ इसी के अंदर डिप करके रखना है। दस मिनट के बाद आप अपने हाथों को पानी में ऐसे निकाल लें और पानी की आप देख सकते हैं शक्ल कितनी गंदी हो गई है, हाथों से गंदगी पूरी तरीके से निकल गई है। अब हमें अपने हाथों में स्क्रब करना है, इसके लिए हम थोड़ा सा पहले टॉवल से अपने हाथों को अच्छी तरीके से पोंछ लें और उसके बाद फिर हम इस पे स्क्रब करेंगे। स्क्रब के लिए हमें लेनी है चीनी और लेंगे हम नींबू। इस तरीके से अब हम इसे स्क्रब करेंगे अपने हाथों पे। 5 से 10 मिनट तक हमें स्क्रब करना है अपने हाथों को अच्छी तरीके से पूरा। सबसे ज्यादा हमारी गंदगी इन जगहों पर बैठती है तो हमें सबसे इनको ही सबसे ज्यादा ध्यान देना है। क्योंकि हमारे हाथों में यही फोल्ड चीज होती है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा हमारी गंदगी एब्जॉर्ब करता है यही चीजें। चीनी हमारे हाथों को सॉफ्ट बनाएगी, शाइनी बनाएगी और नींबू हमारे हाथों की रंगत को वापस लेके आएगी। नाखूनों पे भी हमें अच्छे से अप्लाई करना है नींबू। नींबू को नाखूनों पे रगड़ने से हमारे नेल्स लंबे भी होते हैं, साथ ही उनमें शाइन भी आती है। अगर आप ज्यादा नेल पेंट का यूज करते हैं तो आपको नींबू अपने नेल्स पे रगड़ना चाहिए। ये आप देख पा रहे होंगे स्क्रबिंग करने के बाद मेरे हाथ। अब हम इसे गुनगुने पानी से, जो हमने अभी पानी उसमें यूज किया था उसी पानी से फिर से हम हैंड वॉश कर लेंगे और इसको 5 मिनट तक फिर इसी तरीके से हाथ डिप करेंगे इसमें। अब हमें अपने हाथों में गुलाब जल लगाएंगे, लास्ट में सबसे लास्ट प्रोसेस है इसका, हम अपने हाथों पे गुलाब जल लगाएंगे।
स्क्रबिंग करने के बाद हमें अपने हाथों में गुलाब जल लगाना है। आप गुलाब जल में जैसे जानते हैं ये हमारे स्किन को टोन करेगा, टोनर का भी काम करता है, मॉइस्चराइजिंग का भी काम करेगा ये हमारे स्किन की। और फिर आप कोई भी नेल पेंट लगा सकते हैं अच्छी सी। इस तरीके से अप्लाई करके आप इसको छोड़ देंगे इसी तरीके से। अब हम नेल पेंट अप्लाई करेंगे इसमें। आप देख पा रहे होंगे पहले से और अब मेरे हाथों का फर्क। पहले कितने ज्यादा गंदे लग रहे थे, ये चीज मेरी कितनी गंदी थी और बूढ़े बूढ़े से हाथ लग रहे थे। अब हाथों में जो सॉफ्टनेस है, आप जो इसके सॉफ्टनेस देख पा रहे होंगे कितना सॉफ्ट है। और शायद और इसके साथ ही इसमें लाइटिंग आई है जो ब्राइट हुआ है हाथ। इसको हम अगर 3-4 बार अप्लाई कर लेंगे, हर वीक अप्लाई करेंगे तो इस तरीके से हमारे धीरे धीरे स्किन और क्लियर होती चली जाएगी। पहली बार विंटर आने पे पहली बार किस तरीके से मैनिक्योर किया है और इससे मेरे हाथों में क्या फर्क पड़ा है। अब यही मैं 3-4 बार कर लूंगी तो आप मेरे हाथों का और फर्क देख पाएंगे कि कितने ज्यादा ये लाइट और ब्राइट हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। ये जो विंटर में ये रूखे रूखे बेजान से बूढ़े बूढ़े से लगते हैं वो चीज इसकी खत्म हो जाएगी। अब आप अपनी पसंद की कोई भी नेल पेंट लगा लें और उसके बाद फिर अपने हाथों में देखें फर्क। नेल पेंट लगाने के बाद हाथों का जो कलर है कितने सुंदर लगने लगे हैं हाथ, सुंदर लगने लगे हैं हाथ। तो नेल पेंट लगाने के बाद इनका फर्क देखिए आप, और ये इतने ज्यादा सॉफ्ट हो गए हैं। अब आप मेरे हाथों को देख सकते हैं। ये देखिए मैंने अभी जिस तरीके से आपको बताया है कि मैनिक्योर किस तरीके से करना है, अपने घर पर ही आप करेंगे और आपके हाथों की सब गंदगी निकल जाए। पहले आपने मेरे हाथों को देखा था और अब देखिए मेरे हाथों में कितना फर्क आया है। अगर हम इसको मंथ में 2-3 बार अगर हम इसको यूज कर लेते हैं तो ये हमारे हाथों की सारी गंदगी को निकाल देगा। आप देख पा रहे होंगे मेरे हाथों में कितना गंदा हो रहा था, काला काला सा हाथ हो रहे थे पूरे अजीब से, और अब इसमें साइन आई है। साथ ही ये इतने सॉफ्ट हो गए हैं कि शहद में आप जैसे कि जाते हैं कि ये हमारे शहद से हमारे हाथों में मॉइस्चराइज तो लाता ही है, साथ ही हमारे हाथों को सॉफ्ट साइनी बनाने में भी हेल्प करता है। तो इसी तरीके से आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।